राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पटवारियों की हड़ताल खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। पटवारियों की हड़ताल खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। जो हमारी परेशानियां हैं, जो जो जनता परेशान है, उन परेशानियों को लेकर, क्योंकि आप बड़े बड़े जो लोकार्पण कर रहे हैं और झूठे कैंप लगा रहे हैं, झूठे दिखावे कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने को है तो आप लोगों को बरगला रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, परंतु वो सब धरातल पे कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, सबसे पहला तो इन्होंने गौरा देवी कन्या धन की योजना बंद कर दी। जो 12वीं पास को एक लड़की को FD मिलती थी 50,000 की, वो भी बंद हो गई। उसकी जगह इन्होंने एक ऐसी योजना चलाई है नंदा देवी, जिसमें की सारी उम्र लोग पटवारियों के चक्कर काटते रहेंगे माँ बाप उनके। दूसरा ये है कि राशन कार्ड पे पूर्व की भांति चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध होना चाहिए। अभी भी कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, जिन लोगों के पास गैस नहीं है, और चीनी इतनी महंगी लोगों को लेनी पड़ती है, वो क्यों नहीं आ रही राशन कार्ड पे, चीनी क्यों नहीं आ रही। तीसरी बात यह है कि जो विधवाओं को पेंशन मिलती थी और उसके अलावा एक आर्थिक सहायता के रूप में मिलती थी जिनके छोटे बच्चे होते थे, वहां पर भी इन्होंने BPL को सिर्फ वो 20,000 की राशि देने का फैसला लिया है, और जो APL महिलाएं हैं उनको ये राशि नहीं दी जा रही। सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं थी जनता के हित में, वो इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी। अब ये सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए जल्दबाजी में सिलेंडर बांट रहे हैं, उज्ज्वला के सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, जहां पर कोई पात्र नहीं भी है वहां भी बांटे जा रहे हैं। 1.5 महीने से पटवारी हड़ताल पे है, लोग इतने परेशान है, लोगों के जाति प्रमाण पत्र, लोगों के आय प्रमाण पत्र और स्थायी निवास ये नहीं बन रहे। आगे हम अगर राशन कार्ड पे लोकसभा चुनाव से पहले चीनी नहीं आई, और ये गौरा देवी कन्या धन योजना इन्होंने चालू नहीं की, और विधवाओं को 20,000 रुपए की राशि ना दिलवाई गई, तो हम सड़कों पे उतरेंगे।